हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत अच्छा सा शेर है कि घरों के आगे नाम थे, नामों के आगे ओहदे। घरों के आगे नाम थे, नामों के आगे ओहदे। बहुत तलाश किया पर कोई याद नहीं मिला। कोशिश कीजिए आपसे या मुझसे मिलकर किसी को ये अनुभव ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए। बंदरवाल के बेस के लिए इस तरह की पट्टी, कार्डबोर्ड पर पिको का इस तरह का कटिंग, ये कैनवास फ्यूजिंग है, एक तरफ इसके ग्लू होता है, हिंदी में इसे बकरम भी बोलते हैं, दो कलर के वेलवेट के कपड़े, मोर पंख, ये लेसेस हैं, इस तरह की लेस हमें चाहिए, बॉल चेन और गोल्डन कलर की डोरी, इस तरह के स्टोन्स और पर्ल्स, ग्लू गन, फेविकोल और ये धागा और निडल, और ये पर्ल्स है गोल्डन, वाइट एंड रेड। तो सबसे पहले तो बंदरवाल के बेस के लिए जो बेल्ट हमने बनाया है, पट्टी जो बनाई है, ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कैसे बनाना है। इसका हमें सेंटर लेना है, तो ये इसका सेंटर है। ये हमने 14 इंचेस की बनाई है, जो आपके डोर का साइज़ हो उस हिसाब से बनाई है। उसके बाद जो हमारी लेस है, इसका भी हमें सेंटर लेना है। ये 1 मीटर लेस थी, मैंने इसे हाफ हाफ मीटर में कट किया है। तो ये सेंटर टू सेंटर मैच करना है, लेस का जो सेंटर है और हमारी जो पट्टी का सेंटर है, सेंटर टू सेंटर हमें मैच करना है और इस तरह से इन्हें रखना है दोनों किनारों पर ऊपर नीचे। उसके बाद ये जो लेस है उसे हमें सेंटर में प्लेस करना है इस तरह से, ये हाफ मीटर है, इस तरह से हमें प्लेस करके ग्लू गन से इसे फिक्स करना है। ग्लू गन से फिक्स करने के बाद ऐसा कुछ हमारे पास रहेगा, दो साइड इसके प्लेन है और बीच में ये लेस है। उसके बाद ये कैनवास फ्यूजिंग लीजिए, बकरम जिसे बोलते हैं, इसके एक साइड ग्लू है, उस पर हमें ये जो हमारे पास पिको का कटिंग है कार्डबोर्ड पे किया हुआ, उसे हमें ड्रॉ करना है। जिस साइड ग्लू नहीं है उस साइड से ड्रॉ करना है, इस तरह से पेंसिल से आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही। और उसके बाद हमें इन्हें कटिंग करना है। तो कटिंग करने के बाद ये दो पीसेस हमारे पास है, हमें ऐसे दो पीसेस कट करने हैं, लाइक दो पिकॉक्स कट करने हैं, एक हमें इस तरह से और दूसरा इसके ऑपोजिट, मतलब दोनों पिकॉक्स एक दूसरे को फेस करते हुए होने चाहिए, इस तरह से हमें कट करना है। उसके बाद ये जो है हमारे पास बकरम है, इसे मैंने उल्टे साइड से रखा है, और जिस साइड से ग्लू है उस साइड से हमें इसे रखकर और आयरन से चिपकाना है। ये हमें ब्लू कलर पे करना है, और जो दूसरा पीस है उसे मैंने ग्रीन कलर का वेलवेट लिया है, उसे भी उसी तरह से आयरन करके फिक्स करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो पीसेज होंगे, मैंने स्टिच करके इसे फिक्स कर लिया इसके साथ। उसके बाद जो हमारे पास गोल्डन डोरी थी उसे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके चारों तरफ हमें इसे चिपकाना है ग्लू गन से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से किनारों पर ग्लू लगाकर ये बहुत आसानी से चिपक जाता है, वेलवेट पे ये और अच्छे से चिपकता है। इस तरह से किनारों पर हल्का हल्का ग्लू लगाते हुए हमें इसे, अगर आप ग्लू गन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टिच भी कर सकते हैं इसे, जैसे दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने स्टिच किया था उसी तरह यहाँ डोरी के लिए भी आप स्टिच कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है ग्लू गन यूज़ करना, इसलिए मैं ग्लू गन से कर रही हूँ।
तो इस तरह से मैंने ये दो पीसेस बना दिए हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ पे जहाँ हमने ख़त्म किया है डोरी, वहाँ जॉइंट की जगह पे आप कोई स्टोन वगैरह लगा दीजिए जिससे जॉइंट नहीं दिखेगा। और ये आप इसे डेकोरेट करने के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल सामान हो, मतलब पर्ल्स या जो भी, आप वो लगा सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके आइज़ के लिए हमारे पास जो बॉल चेन थी हम वो यूज़ करेंगे। इस तरह से फेविकॉल से आप आई का शेप बना लीजिए। उसके बाद जो बॉल चेन थी हमारे पास उसे इसके बराबर साइज़ में कट करके, और इस तरह से हमें लगाना है। फेविकॉल सूखने के बाद नहीं दिखता है, अभी ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसके आइज़ के बीच में हम एक स्टोन लगा देंगे। ये क्राउन के लिए हमें छोटे छोटे इस तरह से बॉल चेन के पीस कट करके और उसे लगाना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद जो हमारा बेस है उसके एक साइड में जहाँ पे लेस ख़त्म हो रही है उसके एक साइड में हमें इस तरह से इसे प्लेस करना है, और ग्लू गन की हेल्प से वहाँ पर चिपका देना है इस तरह से। इसी तरह से हमें दोनों साइड से स्टिक करना है। मैंने पीछे का पोर्शन थोड़ा खुला रखा है, इसे पूरा नहीं चिपकाया है क्योंकि मोर पंख लगाने के लिए हमें उतना स्पेस चाहिए। तो इस तरह से पहले आप मोर पंख इसके नीचे इस तरह से डाल के और अरेंज कर लीजिए, और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से इन्हें चिपका दीजिए। पहले इन्हें अच्छे से अरेंज कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे बेल्ट को पूरी तरह से कवर करने के बाद हम इसे स्टिक कर देंगे। तो दोनों साइड मोर पंख लगा देने के बाद और पिकॉक लगाने के बाद हमारे बंदरवाल का जो बेस है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद लटकन लगाने के लिए ये मैंने छोटे बड़े साइज के लिए एक साइड 5-5 मोती लगाए, एक साइड 4-4 मोती लगाए इस तरह से। यहाँ पर हमने ग्रीन, रेड और गोल्डन कलर का भी यूज़ किया है वाइट के साथ, जो कि हमारे बंदरवाल का जो पट्टी है उसके साथ मैच कर रहा है। ग्रीन कलर ये जो पंख है, पिको फेदर्स है, इनके साथ भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से लगाए हैं इन्हें। ऊपर नीचे छोटा बड़ा करने के लिए आप मोती कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आपको जैसे पसंद हो लटकन आप वैसे लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें काउंट करके लगाएंगे, कम ज़्यादा करके लगाएंगे, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे आएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारे बंदरवाल का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और अच्छे डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।